हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास रेसिपी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, आज हम बनाएंगे मखाना और ड्राई फ्रूट से कुछ बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी, जो कि बहुत ही प्रोटीन रिच रेसिपी है और फाइबर रिच फूड है। सो गाइज, इसे आप खा सकते हो सुबह में, शाम के नाश्ते में, और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है और ये बहुत डिलीशियस लगती है खाने में और बहुत इजी भी है इसे बनाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। मैंने अमूल घी लिया है, जैसा कि आप सब देख सकते हो, और इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे हीट। और हमें इन सबको एकदम मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए, अमूल घी मैंने लिया है और इस रेसिपी का स्वाद घी में बहुत बेस्ट आता है। और ये है काजू, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ लिए हैं, काजू, बादाम, और इसे हमें फ्राई करना है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे एकदम लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। पहले काजू को हम अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे सुनहरा होने तक हल्का। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। काजू जब हल्के हल्के लाल सुनहरे होने लगे तब हम इसमें हल्का बादाम डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसे हमें अच्छे से धीरे धीरे करके फ्राई करते रहना है, और आप इसे बीच बीच में चलाते रहें क्योंकि ये नहीं तो ओवर हो जाएंगे, ये कलर इसका ब्राउन ब्लैक हो जाएगा। इसलिए इसे हमें सुनहरा होने तक बिल्कुल चलाते रहना, अच्छे से पकाना हमें घी में। उसके बाद ये देखिए, अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट भूना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे काजू और बादाम को, ड्राई फ्रूट्स को हमें इसमें निकाल देना है। आप इसमें चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, बट मैंने सिर्फ काजू और बादाम का यूज़ किया है इसमें। और उसके बाद मखाने का भी हम यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए कढ़ाई गर्म करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे घी, और 1 चम्मच घी डालेंगे। और कढ़ाई को अच्छे से हीट करके फिर हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। आप इसमें करी लीव्स डाल सकते हैं, और करी लीव्स को अच्छे से पहले पका लेना है हमें घी में बिल्कुल, कि जब तक वो कुरकुरा ना हो जाए, एकदम पत्ते को अच्छे से पकाना है। इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल इन्हेंस होगा रोस्टेड हमारे मखाने में। ये देखिए, फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, इससे में इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। अब ये देखिए, ये दोनों अच्छे से पक चुके हैं मसाले, और ये अब हम इसमें डाल देंगे मखाने। इन सारे मखानों को हमें फ्राई करना गाइस। ये देखिए, आप जब फ्राई करेंगे तब इसमें कलर ऑटोमेटिकली इसमें हल्दी का आ जाएगा इसमें, इसलिए मैंने इसमें पहले ही घी में डाला था। सो गाइस, ये देखिए कितना बढ़िया। अब इसे हमें मखाने को 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए, क्रिस्पी एंड क्रंची। ये देखिए, मुझे मखाने को भूनते हुए 5 से 10 मिनट होने वाले हैं। फिर इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे, ये देखिए गाइस, ये हो चुके हैं 10 मिनट मुझे फ्राई करते हुए। देखिए बिल्कुल रेड कलर आने लगा है सारा मखाना पे, और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे काला नमक, और इसमें मसाले भी क्या क्या डालेंगे मैंने इसमें आगे दिखाया, आप सब बने रहे ब्लॉग में। ये देखिए, ये मैंने डाला इसमें काला नमक, और सबको अच्छे से मिक्स कर दें काला नमक से डाल के। और फिर हम डाल देंगे इसमें काजू और बादाम, और फिर हमें सबको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन बनकर हमारे तैयार हुए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और काला नमक, फिर से दोबारा डालेंगे हम इसमें, और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे गोलकी का पाउडर, पेपर पाउडर, काला नमक और गोलकी का पाउडर डालेंगे, और चाट मसाला। सो गाइस, ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये अब इसको अब सर्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पसंद है तो इसमें पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसका तीखा लहसुनी स्वाद आएगा। सो ये अब रेडी है। थैंक यू।